हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रवि शेखावत फिर से आपके सामने आई हूँ मैं। एक बहुत ही हमारी रूटीन प्रॉब्लम है कि दांतों की झंझनाहट या चीज चलना या दांतों के अंदर रील चलना। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कुछ भी गर्म, ठंडा, मीठा, खट्टा कुछ भी लेने से दांतों में बहुत जबरदस्त झंझनाहट होती है। तो ये है टूथ सेंसिटिविटी। आखिरकार ये होती क्यों है, इसका क्या वजह है? सबसे पहली चीज देखिए, दांत जो होते हैं निर्जीव होते हैं। दांतों के अंदर जितने भी दांत हैं वो सबसे टफेस्ट मटेरियल या चीज के बने होते हैं जो हमारे शरीर में है। दांतों में सिर्फ बारीक सुई जैसी नसें होती है जिसमें सेंसेशन होता है। अगर किसी वजह से उन नसों में या नसें एक्सपोज हो गई हैं या फिर बाहरी तौर पे वो खुल गई हैं तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब इसके क्या कारण है, क्यों इस तरह का होता है कि दांतों की नसें अचानक से खुल जाए और हमें गर्म, ठंडा और सेंसेशन या झंझनाहट होने लगे? सबसे बड़ी वजह होती है कि आपके डाइजेशन की कोई अगर समस्या हो, तो डाइजेशन में जैसे कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी रहती हो, हाइपर एसिडिटी के अंदर अक्सर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एसिड अगर आपका बनता है तो वो आपके मुंह में भी रिफ्लक्स करता है, और वो कॉन्स्टेंटली अगर रिफ्लक्स करता है तो दांत के ऊपर का जो इनामल है वो टाइम के साथ धीरे धीरे घिसने लगता है। जब इनामल घिसता है, इनामल की जो निचली परत है वो इनामल से सॉफ्ट होती है, वो भी घिसने लगती है और नस एक्सपोज हो जाती है, और अचानक से आपको लगेगा कि मुंह में खट्टापन या दांत, कई बार पेशेंट कहते हैं कि ऐसा लगता आम गए हो, वो चालू हो जाता है। दूसरी वजह, अगर आप ब्रश बहुत ही रगड़ रगड़ के करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा हमारे पास कुछ एक पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके दांत कुदरती रूप से बहुत ही खूबसूरत और बहुत मजबूत होते हैं, पर फिर भी गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से दांत जो है वो हम खुद ही घिस डालते हैं। तो जो हार्ड ब्रश या दांत करने का तरीका अगर गलत है तो आपके दांतों का इनामल घिस जाता है और दांतों में सेंसेशन चालू हो जाता है। तीसरी वजह क्या हो सकती है, कई बार कई ऐसी चीजें होती है जिनमें कि दांत किचकिचाना, जैसे आपके बस में नहीं है, रात में आप सो रहे हैं पर आपके साथ में कोई भी आपको बताएगा कि आप रात में दांत किचकिचाते हैं। तो जब आप दांत किचकिचाते हैं, दांत घिसते हैं, और आप या फिर किसी ऐसे स्ट्रेसफुल काम में है कि दांत भींच के करते हैं, अक्सर आजकल बच्चों में और युवाओं में देखा गया है कि आजकल वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स में मार धाड़ बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई जाती है, तो अक्सर उस प्रेशर में वो हमेशा दांत को ऐसे भींचे रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से दांतों में झंझनाहट आने लगती है। चौथी वजह ये होती है कि दांतों के अंदर कोई कैविटी हो, कैविटी की वजह से बाई चांस दांत आपके अपने आप से खुल गए हो। जब कैविटी है तो ऑब्वियसली आप कुछ भी गर्म या ठंडा लेंगे वो सीधा जाके अंदर नस को लगेगा। तो कैविटी की पहचान ही आपको पहली बार ऐसे होगी कि या तो कुछ फंसता है या फिर आपको ठंडा गर्म लगने लगता है। तो ये सब चीजें जो भी आपको फेस करें, देखिए डेंटिस्ट के पास में, आपके डॉक्टर के पास में सारी रेमेडीज हैं, घरेलू तरीके भी हैं, उसके बारे में हम एक बार फिर से बात करेंगे, पर जो मेडिकल या ट्रीटमेंट वाइज क्या तरीके हैं, सबसे कॉमन चीज ओवर द काउंटर हम जाके लेते हैं कि साहब हमें सेंसोडाइन दे दीजिए, थर्मोसील दे दीजिए, कि जैसे ही पेस्ट होता आप मेडिकल पे जाते हैं वो आपको वो थमा देते हैं। उनको भी करने का तरीका सही होना चाहिए। जो नॉर्मली मेडिकेटेड पेस्ट है उन्हें ब्रश से रगड़ना नहीं होता है, उन्हें अक्सर जहां पे आपको झंझनाहट फील हो रही है या चीज चल रही है अंगुली से टिप पे लीजिए और उसे लगा के छोड़ दीजिए। वो जब तक उन नसों के अंदर सोख नहीं जाता है आपकी परेशानी दूर नहीं होगी, और उसके लिए उस पेस्ट को उसके कांटेक्ट में रहना, दांत के कांटेक्ट में रहना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर सवेरे आपको जल्दी भी है तो शाम में रात में सोने से पहले आपने उसे लगाया और आराम से छोड़ दीजिए। आप अपना टीवी देखिए, आप अखबार पढ़िए, कोई और काम करना आप करिए, लार आएगी बीच में आप थूकते रहिए। अगर आपको लगा कि 15-20 मिनट में वो बिल्कुल साफ हो गया दोबारा से एक परत चढ़ा सकते हैं आप। जितनी देर वो कॉन्टैक्ट में रहेगा पेस्ट उससे आपकी सेंसिटिविटी बहुत जल्दी ठीक होगी। ब्रश हमेशा हम भी एडवाइस करते हैं कि ज्यादा हार्ड ना करें, सॉफ्ट ब्रश लें और सही तरीके से करें, तो उस पे आप उस पेस्ट को लगा के नॉर्मल आप ब्रशिंग में भी आप उसे यूज कर सकते हैं।
आजकल माउथवॉश भी खूब आने लगे हैं, जिसमें कि डीसेंसिटाइजिंग माउथवॉश, उससे आपको बिना पानी मिलाए मुंह में, कम से कम वही है कि मुंह में रखे रखिए एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार अगर बहुत अक्यूट सेंसिटिविटी है। पेस्ट को भी आपको दिन में 2 से 3 बार तो करना ही चाहिए अगर आपके अक्यूट सेंसिटिविटी है, और कम से कम महीना भर आप काम में लेंगे तो पहले सप्ताह भर में, फिर 10 दिन में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। एकदम से कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि आपने पेस्ट या माउथवॉश यूज किया और उससे ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपको मैंने बताया कि आपको खाने का फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हाइपर एसिडिक है तो कोई भी ऐसी चीजें जैसे एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा, कोला, जिनसे एसिडिटी बनती है, या कुछ और भोजन पदार्थ जैसे तीखा मिर्च मसाला, इसे अवॉइड करिए। अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करें, अपने डाइजेशन को सही तरीके से रखें, ऑटोमेटिकली आपके दांतों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। थर्डली, अगर दांत किटकिटाने की आदत है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। जनरली माउथ गार्ड या नाइट गार्ड आपको दिया जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, इसे रात में सोते वक्त आप लगा के सोइए, वो एज ए कुशन दोनों दांतों के बीच में एक कवर करके रखेगा जिससे कि दांत आपस में घिसेंगे नहीं, और इससे आप काफी नुकसान से बच जाएंगे। बहुत ही सिंपल अपैरेटस है, बहुत कंफर्टेबल होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। चौथी चीज ये है कि अपन खान पीन में क्या और करें या घरेलू तरीके से और क्या करें। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुनगुने पानी में नमक डाल के घुल ले, या फिर आप उसके अंदर हल्दी और नमक जिसका हल्का सा पेस्ट बना के अप्लाई कर सकते हैं। इवन ग्रीन टी उसके कुल्ले बहुत फायदेमंद है। इवन शहद जिसको पानी में मिला के अगर आप यूज करें उसके भी कुल्ले बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा आप नॉर्मल के अंदर ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके अंदर आपने कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या तिल का तेल जो मुंह में लिया, 1 चम्मच 2 चम्मच मुंह में घुमाया और उससे ऑयल पुलिंग करेंगे, तो जो बहुत ही सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स खुल गई है किसी वजह से, उनके ऊपर वो परत बन जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी सेंसिटिविटी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर कैविटी है तो ऑब्वियसली दांत का अगर आपका ट्रीटमेंट होगा, उसमें फिलिंग होगी, तो आपकी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं आपके दांतों में किसी न किसी बीमारी की शुरुआत के लक्षण है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और इसका समय रहते उपचार कराइए। सबसे पहले घर पे सजग रहिए, तरीके से ढंग से ब्रश करिए, पेस्ट अपनाइए, खान पीन रखिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। मेरा क्लिनिक जयपुर में है, अगर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको उसका इलाज मिल जाएगा।